हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स के बारे में। ठीक है, देखो एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो डिजीज होती है वो क्या होती है। देखो आपने पढ़ा होगा कि ये क्या है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है। ठीक है, और ऑटो इम्यून डिजीज होती है ये तो पहली बात क्या हुई, ऑटो इम्यून डिजीज है, क्लियर। दूसरी बात हम करते हैं, देखो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है कि जो पेरिफेरल साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उनमें क्या होता है, जो पेरिफेरल स्मॉल साइनोवियल जॉइंट्स हैं उनके अंदर क्या होती है, इन्फ्लामेशन होने लगती है। ठीक है, तो ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, तो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर मैं बताऊं तो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, परसिस्टेंट इन्फ्लामेशन इन पेरिफेरल स्मॉल साइनोवियल जॉइंट्स। क्लियर गाइस, ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और क्या क्या होता है इसके अंदर, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो डिजीज होती है, इसके अंदर क्या होता है कि जॉइंट्स के अंदर जो साइनोवियल जॉइंट्स है उनके अंदर क्या होती है, पेन होता है और स्वेलिंग होने लग जाती है। ठीक है, पेन और स्वेलिंग। अब पेन और स्वेलिंग किसकी वजह से होती है, ये होती है प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रेशन की वजह से। ठीक है गाइस, क्यों होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रेशन की वजह से, तो ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन। क्लियर, अब हम बात करते हैं इसके अलावा क्या होता है इस डिजीज में। इसके अलावा जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर इन्फ्लामेशन तो होती है, पेन तो होता ही है, स्वेलिंग भी होता है, और साथ में क्या होता है, धीरे धीरे वो जॉइंट्स क्या होने लग जाते हैं, उनका डैमेज होने लग जाता है, मतलब प्रोग्रेसिव डैमेज होने लग जाता है। क्लियर, तो प्रोग्रेसिव डैमेज ऑफ जॉइंट्स। क्लियर, ये क्यों होता है, ये होता है ड्यू टू साइटोकाइंस की वजह से। ठीक है, साइटोकाइंस की वजह से। क्लियर, अब मैं जो ड्रग्स है हमारे पास एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स, उन ड्रग्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करता हूं। ठीक है, ड्रग्स के क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करते हैं। देखो जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो डिजीज होती है, इसके अंदर जो काम आती है ड्रग्स, ठीक है, वो उन ड्रग्स को क्या है, तीन क्लासों में डिवाइड कर रखा है, मतलब तीन टाइप की ड्रग्स जो है वो क्या होती है, काम आती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहली ड्रग्स आती है, मतलब जो सबसे पहली क्लास बना रखी है वो क्लास कौन सी है, वो है DMARD। ठीक है, स्मॉल एस, DMARD। DMARD की फुल फॉर्म क्या होती है, DMARD की फुल फॉर्म होती है डिजीज मॉडिफाइंग, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। ये सी क्या होती है, फुल फॉर्म है। अब देखो जो डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स है उनको क्या है, उस क्लास को भी हमने आगे जाकर ही क्या है, दो सब क्लास में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, कौन सी, एक होती है हमारे पास नॉन बायोलॉजिकल ड्रग्स, ये नॉन बायोलॉजिकल एजेंट्स बोल सकते हो, और एक होती है हमारे पास कौन सी, बायोलॉजिकल ड्रग्स। क्लियर गाइस, अब देखो आगे भी हमने इनको और सब टाइप्स में कर रखा है, बट मेनली क्या है, DMARDS पहला टाइप हो गया। दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा टाइप होता है इसके अंदर एडजुएंट ड्रग्स, एडजुएंट ड्रग्स। देखो एडजुएंट ड्रग्स जो है इसके अंदर ओनली सिंगल क्लास है, ठीक है, मतलब कई सारी सब क्लास नहीं है, ओनली सिंगल क्लास है, वो है हमारे पास कौन सी, कोर्टिको स्टेरॉइड्स। क्लियर, और आप जो NSAID पढ़ते हो वो भी क्या होते हैं, इसके अंदर यूज आती है। ठीक है,
एनसिड्स या एनएसएआईडी क्या होती है, यूज आती है रूमेटिक आर्थराइटिस के अंदर। क्लियर। अब देखो सबसे पहले मैं इसके एग्जांपल बताता हूँ एनएसएआईडी के, क्या क्या एग्जांपल है आपने पढ़ा हुआ एनएसएआईडी के अंदर। इसके अंदर एक तो क्या आती है एस्प्रिन, ऐसे तो आने को बहुत सारी ड्रग्स आती है बट कुछ के नाम बता देते हैं। एस्प्रिन हो गया, साथ में क्या हो गया आइबुप्रोफेन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया और एक डाइक्लोफेनेक हो गया। आप इनको याद कर सकते हो बहुत ही है, और आप एनएसएआईडी के अंदर पढ़ोगे डाइक्लोफेनेक हो गया, ठीक है सॉरी डाइक्लोफेनेक, ठीक है गाइस। अब देखो जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स है इनमें आपको तीन ड्रग के नाम याद करने हैं। कैसे? देखो सफिक्स चॉइस का क्या आएगा, सोलोन सोलोन आएगा, मतलब क्या है एक होती है प्रेडनिसोलोन, ठीक है एक होती है कौन सी मिथाइल प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, और एक होता है कौन सा हमारे पास ट्राई एमसीनोलोन, ट्राई एमसीनोलोन, ठीक है गाइस ये इसमें ड्रग होती है। अब हमारे पास दो क्लास तो कंप्लीट हो गई, बची कौन सी क्लास डीएमए आरडीएस, ठीक है। देखो इसके अंदर मैंने दो क्लास, दो सब क्लास बनाई थी नॉन बायोलॉजिकल ड्रग्स और बायोलॉजिकल ड्रग्स। देखो इनको याद करने की ट्रिक भी हम आगे पढ़ेंगे पर पहले हम सेपरेटेड याद कर लेते हैं। तो नॉन बायोलॉजिकल ड्रग्स जो है इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आती है हमारे पास कौन सी इम्यूनो सप्रेसेंट, ठीक है जो इम्यून रिएक्शन क्या करती है सप्रेस कर देती है, इम्यूनो सप्रेसेंट, ठीक है। इम्यूनो सप्रेसेंट में क्या होती है तीन ड्रग के नाम आपको याद करने हैं, कौन सी सबसे मेन ड्रग मेथोट्रेक्सेट, ठीक है मेथोट्रेक्सेट। दूसरी ड्रग है इसके अंदर एजाथायोप्रिन, एजाथायोप्रिन, ठीक है। और तीसरी ड्रग है हमारे पास कौन सी साइक्लोस्पोरिन, ठीक है। तो ये हो गई इम्यूनो सप्रेसेंट के अंदर। नॉन बायोलॉजिकल ड्रग्स में दूसरी जो ड्रग्स आती है वो कौन सी आती है, वो है हमारे पास सल्फा सेलाजिन, क्या आती है सल्फा सेलाजिन, ठीक है। सल्फा सेलाजिन के अलावा क्या आती है, एक आती है हमारे पास क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। आपको पता होगा आजकल कोरोना के अंदर यूज ले रहे हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को, और ये मेनली किसकी ड्रग है, ये है मलेरिया के अंदर यूज आती है, ठीक है बट इसके अंदर भी यूज आती है रूमेटिक आर्थराइटिस के अंदर। तो क्लोरोक्विन हो गया और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हो गया, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ठीक है। और इसमें चौथी जो है ड्रग्स कौन सी हो गई, चौथी ड्रग्स हो गई आपके पास कौन सी लेफ्लुनोमाइड, ठीक है लेफ्लुनोमाइड। क्लियर गाइस। तो नॉन बायोलॉजिकल जो ड्रग्स है उनके अंदर क्या है चार कैटेगरी है, जिसमें आती है इम्यूनो सप्रेसेंट आ गया, जिसके अंदर तीन ड्रग्स आ गई मिथोट्रेक्सेट, एजाथायोप्रिन और साइक्लोस्पोरिन। एक आती है इसके अंदर कौन सी सल्फा सेलाजिन, एक आती है कौन सी क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, और एक आती है हमारे पास कौन सी लेफ्लुनोमाइड, ठीक है। अब जो बायोलॉजिकल ड्रग्स है इन बायोलॉजिकल ड्रग्स की हम बात करते हैं। देखो बायोलॉजिकल ड्रग्स जो है इसके अंदर पहली कैटेगरी है कौन सी, पहली कैटेगरी है टीएनएफ अल्फा इनहिबिटर, ठीक है। देखो टीएनएफ अल्फा इनहिबिटर करता क्या है वो हम आगे टीएनएफ के अंदर डिटेल से बात करेंगे, बस आप इतना समझ लेना कि इसके अंदर क्या होता है कि जो टीएनएफ अल्फा रिसेप्टर होते हैं वो क्या हो जाते हैं ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो ड्रग्स आती है जो टीएनएफ अल्फा इनहिबिटर है, ठीक है वो कौन कौन सी ड्रग्स है, इसमें तीन ड्रग का नाम याद करना पड़ेगा आपको। एक है एटानेसेप्ट, फर्स्ट कैटेगरी है एटानेसेप्ट, ठीक है। एक है इन्फ्लिक्सिमाब और एक है हमारे पास कौन सी एडालिमुमाब। क्लियर गाइस। तीन ड्रग्स आ गई, पहला हो गई कौन सी कैटेगरी टीएनएफ अल्फा इनहिबिटर, दूसरी हम बात करते हैं इंटरल्यूकिन वन एंटागोनिस्ट। इंटरल्यूकिन वन एंटागोनिस्ट जो है इसके अंदर एक ड्रग आती है वो कौन सी है एना
किनरा, क्लियर, एना किनरा हो गया। इसके अंदर फिर मतलब चार कैटेगरी है टोटल मिला के बायोलॉजिकल ड्रग्स के अंदर। टीएनएफ अल्फा इनहिबिटर है, इंटरल्यूकिन 1 एंटागोनिस्ट है, टी सेल मॉड्यूलेटिंग एजेंट है और बी लिम्फोसाइट डिप्लेटर है। ठीक है, तो जो तीसरी क्लास है टी सेल मॉड्यूलेटिंग एजेंट। ठीक है, टी सेल मॉड्यूलेटिंग एजेंट, इसके अंदर जो ड्रग आती है वो कौन सी है, वो है एबाटासेप्ट, एबाटासेप्ट, क्लियर। और जो चौथी क्लास है, चौथी सब क्लास है, वो है कौन सी, बी लिम्फोसाइट डिप्लेटर। ठीक है, बी लिम्फोसाइट डिप्लेटर, क्लियर। जो बी लिम्फोसाइट डिप्लेटर है इसके अंदर ओनली एक ड्रग आती है, वो है कौन सी, रिटुक्सिमाब। ठीक है, तो ये आपके जो है ड्रग्स के नाम याद हो गए। अब देखो अगर आप इनको एक ट्रिक से याद करना चाहो तो ट्रिक से भी कर सकते हो। इसके लिए जो ट्रिक है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ट्रिक क्या है, ट्रिक है इसके लिए शाई क्लेम इन एकेडेमिया प्लेस। ठीक है, ये इसके लिए ट्रिक है। शाय मतलब जो शर्माने वाला जो इंसान है वो एकेडमिया मतलब जो टीचिंग लाइन है, ठीक है, उसमें क्या है, क्लेम इज भूखा मर जाएगा। अगर शर्माएगा कोई इंसान तो वो टीचिंग लाइन में क्या होगा, भूखा मर जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हो। इसके अंदर क्या है कि जो आई एन है इसका कोई यूज नहीं है, किसका, एक तो आई एन कोई यूज नहीं है, और प्लेस जो है इसके अंदर ओनली आपको क्या यूज लेना है, पी वर्ड यूज लेना है। ठीक है, ओनली पी वर्ड यूज लेना है। ठीक है, और जो यहाँ पे एम है इसको आपको यूज नहीं करना। तीन चीज याद रखनी है, प्लेस के अंदर ओनली पी लेना है, इनको लेना नहीं है, और एकेडमिया में एम को नहीं लेना। अब मैं बताता हूँ कैसे याद करना है। देखो जो एस है, एस से क्या बन गया, एस से बन गया सल्फा सेलाजिन, क्या बन गया, सल्फा सेलाजिन बन गया एच से, एच वाई, एच वाई से क्या बन गया, हाइड्रोक्सी क्लोरोपिन बन गया एच वाई। ठीक है, सी, सी से क्या बन गया, क्लोरोपिन बन गया। ठीक है, सी से क्या बन गया, क्लोरोपिन बन गया। इसके अलावा एल ई, एल ई, एल ई से क्या बन गया, लेफ्लुनोमाइड, एल ई से क्या बन गया, लेफ्लुनोमाइड बन गया। एम, एम से क्या बन गया, मीथोट्रेक्सेट। ठीक है, मीथोट्रेक्सेट, और यहां पे है कौन सा, ए, ए मीन्स ए एज अ थायोप्रिन हो गया, और सी, सी का मतलब क्या हो गया, सी का मतलब साइक्लोस्पोरिन हो गया। ठीक है, मतलब जो साई क्लेम इन और एकेडेमिया में कहां तक, सी तक, ए सी, ये जो पार्ट है वो क्या है, नॉन बायोलॉजिकल ड्रग्स है। क्या है, नॉन बायोलॉजिकल ड्रग्स। ठीक है, इसमें आई एन को यूज नहीं करना। और देखो यहां तक हो गया, अब इसके बाद जो एडी है, एडी का मतलब एडालिमुबाब। ठीक है, जो आप यहाँ पे पढ़ते हो टीएनएफ अल्फा इनहिबिटर के अंदर एडालिमुबाब हो गया। फिर यहाँ पे आता है ई, ई मीन्स एटानेसेप्ट। ठीक है, एम को यूज करना ही नहीं है आपको। फिर आता है आई, आई मतलब इनफ्लिक्सिमाब। ठीक है, इनफ्लिक्सिमाब। फिर आता है ए, ए मीन्स एडालिमुबाब। ठीक है, ए मीन्स, सॉरी, ए मीन्स एडालिमुबाब तो यहाँ पे हो गया था ना, तो यहाँ पे एडालिमुबाब तो यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे जो है ए का मतलब क्या हो गया, एना किनरा। ठीक है, लास्ट वाले ए का मतलब क्या हो गया, एना किनरा। और जो पी है, पी, पी मीन्स क्या है यहाँ पे, प्रेडनिसोलोन। ठीक है, जो प्रेडनिसोलोन है वो है। तो अगर मैं बात करूं यहां से ए से लेकर के यहाँ ए तक, ए टू ए, एकेडमिया का ए टू ए, ये क्या हो गया आपके पास, कौन सा बायोलॉजिकल ड्रग्स होगा।
और जो प्लेस का पी है ये क्या है, एडजोइंट रेफ है। अब देखो एडजोइंट रेफ तो आप कॉमनली याद कर सकते हो कि जब प्रेडनिसोलोन मिथाइल प्रेडनिसोलोन नॉर्मल है, ठीक है, और आपको ये दो नाम एक्स्ट्रा याद करने। अब जो इसके अंदर ड्रग्स है सारी, उन ड्रग्स को हम अलग अलग टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक यू।